इस फ्रेम में ये शूट पे अभी आई हूँ मैं, सुबह से किसी और जगह पे शूट कर रही थी। हाँ ये देखिए मैं जल चुका हूँ, खड़े हैं। तू गाय थोड़ी ना है। मैं भी तो गाय की तरह ही हूँ। गाला थोड़ी ना। और पता है सेट पे इतनी ठंडी थी, मैं आज आरफ का जैकेट पहन के घूम रही थी। आरफ का जैकेट पहन के। वेलकम टू करण शर्मास यूट्यूब चैनल गाइज। हे गाइस कैसे हैं आप लोग। आज का जो व्लॉग है इसमें आउटडोर शूटिंग का कुछ पार्ट मैं दिखाने वाला हूँ। हम लोगों ने रिसेंटली एक आउटडोर किया जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जब मूर्ति को जलाया जाता है, तो वो सीक्वेंस हमने चाइना क्रीक में शूट किया। एंड वहाँ पर एक बंदा रीमा के पीछे पड़ता है, स्टोव से उसे जलाने की कोशिश करता है, मेरा हाथ जल जाता है, वो सारा सीक्वेंस आपने देखा। और यही है उसका बिहाइंड द सीन और कुछ मस्ती जो हम लोगों ने ऑन सेट की। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से मेरे हाथ में आग लगी थी, जो आप देख पाए वो आप ग्राफिक्स के द्वारा टीवी पे देख चुके होंगे। एंड ऐसे ही होता है, बाद में पोस्ट में आग लगा दी जाती है और सब कुछ कर दिया जाता है। हम लोग थोड़ा सा चीट करते हैं ऐसे डेंजरस सीन। तुम भी वो मूर्ति वाली लड़की वो भी छोड़ के नहीं गई है, वो कहीं नहीं गई है, वो यही है, वो कहीं नहीं गई है, वो कहीं नहीं गई है। तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हें दिखाई। इसको आज गाय के साथ शूट करना है गाइस। गाय के साथ शूट करना और ये गलो है हीरो के साथ। सॉरी सॉरी। गाना कौन सा गा रही तुम वो बताओ। रिप्लाई नहीं करते शायद हो क्या, करते हो गाय हो क्या। तो मैंने कहा इसको कि यार मेरे साथ शूट कर ले। गाय थोड़ी ना। मैं भी तो गाय की तरह ही हूँ। अरे मेरा एक शॉर्ट है, मेरा एक शॉर्ट है, शॉर्ट दे के आता हूँ। अरे मेरा चेंज जाएगा, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। अरे सुनो तो मैं लेके आता हूँ मैडम, एक एक भागने का सीन है गाइज, मैं आता हूँ जल्दी से, फिर इसके लिए वो गाय वाला शॉट में दूंगा, ठीक है। चलो बाय तानू ताता। सो गाइज आज आउटडोर शूट चल रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और तने के लिए अभी गाय भी ढूंढनी है, लेट्स सी हमें कहाँ गाय मिलती है। और आग से बचने वाला सीक्वेंस है, मतलब ये देखिए मैं जल चुका हूँ, फट चुका हूँ बुरी तरह, बट आई होप थोड़ी चीटिंग वीटिंग करके हमने ऐसे कर लिया, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। यू कैन सी एक्चुअल सीन तो आप लोगों ने टीवी पे देख ही लिया होगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ओके So today we are having lunch outside. रामदेव से हम लोग बहुत दिनों बाद बाहर आए हैं। दानू क्या खा रही हो तुम? मैं खा रही हूँ पनीर मसाला विद कच्चा पराठा। ये पनीर मसाला विद कच्चा पराठा। मैं लाया हूँ सिंपल दाल सब्जी कैबेज, जो दानू के हिसाब से थोड़ा बोरिंग है पर मेरे हिसाब से अच्छा है। दोस्तों आपको क्या पसंद है, लाइक आप लोग कैबेज खाना पसंद करोगे या फिर पनीर मसाला, मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो सब खा लेता हूँ ऐसे, बट आई वो आई मसाला। सो राधु भी आ गई है अब हमारे साथ आउटडोर में, अब हम आउटडोर आउटडोर खेलेंगे। और दोस्तों आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं शूट पे अभी आई हूँ, मैं सुबह से किसी और जगह पे शूट कर रही थी। हाँ। अब मैंने इन लोगों को यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाह बड़े दिन बाद सिमर को थोड़ा आराम मिल गया, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। सिमर को आराम नहीं मिल सकता, नॉट अलाउड, क्योंकि ससुराल सिमर का पार्टनर आगे आगे हम हैं पीछे पीछे।
राधु भी आ गई। क्यों वही खाना है हमारे पास, मेरे पास भी है, हाँ इसके पास भी है। क्या है? खाना 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 खाना, बहुत खाना हमारे पास आज। दोस्तों आफ्टरनून में राधिका भी हमें ज्वाइन कर चुकी है और सीक्वेंस है जहाँ पर हम तीनों मिलके वो पुतले को आग लगाते हैं। वो थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली चीज़ है तो हम लोग थोड़ा सा केयरफुली उसे करेंगे। ये देखो ऐसे माइक लगता है, ऐसे माइक लगाते हैं देखो जिससे आप तक आवाज पहुंचती है हमारी। आप लोगों को लगता होगा इतनी सुरीली 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 आवाज कैसे आप तक पहुंचती है, ऐसे माइक लगाना पड़ता है इनसाइड सो दैट यू कैन गेट अ वॉइस। हां सुरीली बोल रहा हूं मैं, दमदार आवाज। ओके आप माइक ले रहे हैं? ओके आगे जी ठीक है, एक लगाना भी इसमें ठीक है। हम सोचे गाय निकलो किसान मेरे को भेजा चल क्या, अरे चल गाय आ गई 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 गाय नहीं है गाय हो क्या ये बोल के वीडियो बना लिया और ये लोगों को बहुत पसंद आया। जहाँ सर होता है ना वहीं आग लगाते हैं, तो सर राइट में काम नहीं ना उल्टा उल्टा इधर उसके नीचे का टच करना जलाना मत। अच्छा ठीक है, मतलब मैं इतना कर देता हूँ बस। हाँ ओके। सो इतनी सारी मस्ती के बाद Let's get to serious business guys। और इस मूर्ति को हम चलाने वाले हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से सीरियसली सब लोग काम पे ध्यान दे रहे हैं और थोड़ा टेंशन वाला काम है बिकॉज आग के साथ खेलना नहीं है, आग के साथ शूटिंग करनी है। दोस्तों ये शॉट देते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे सूरज हमारे बिल्कुल सामने हो क्योंकि हम आग के इतने नज़दीक थे, पर मज़ा आया ये शॉट देने के बाद भी। दोस्तों यहाँ रीमा सिमर को समझा रही है कि बहना अब हो गया सब कुछ परफेक्ट, मूर्ति को हमने जला दिया है, ओ उससे हमें छुटकारा मिल गया है और अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन रीमा को नहीं पता, सिमर को नहीं पता कि अभी बवाल बाकी है मेरे दोस्त, अभी इतनी जल्दी वो मूर्ति हमारी लाइफ से जाने वाली नहीं है। एंड व्हाट टू से गाइस, पता नहीं कब तक वो हमारी राशि पे चिपकी रहेगी और ये कैसे हमारी लाइफ से जाएगी। उसे देखने के लिए कीप वॉचिंग ससुराल सिमर का सीजन 2 ओनली ऑन कलर 6 PM। ओके गाइज आके बात सर बाप रे बहुत दूर है भाई, बहुत है, बहुत जगह बहुत जगह। मैंने बोला जाई जाके चेक करे कुछ बस तो नहीं, अब बोलता तंदूरी बन जाएंगे सर। चेक करने लायक नहीं बचेंगे।
खोलते थे, मैम बोलते खुद ही जाके। मैं इधर था, लगने तो इधर आ जाओ यार। रिमा जी आप उधर जाइए, गमी लग रही है, जाओ जाकिर भाई जरा टेस्ट करो, जब सब सही आग ठीक है उधर छुके देखो गरम है, छुके देखो गरम है। क्या बोल रहे क्यों आग से? ओह शिट, आग से गूज बम आ गया, आग से। और पता है सेट पे इतनी ठंडी थी, मैं आज आरफ का जैकेट पहन के घूम रही थी। आरफ का जैकेट पहन के, ये तो न्यूज़ है। कैप्चर करने वाले आइए, आ जाए यहाँ, ठीक है? और जैसे कट हो जा रहा था हम साइड हो जा रहे थे एंड टेक के टाइम पे सीधे फ्रंट में आ जा रहे थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा डिफरेंट था। सो गाइज आउटडोर खत्म हो गया है, हम लोग वापस जा रहे हैं सेट पे एंड बहुत मजा आया। फिलहाल के लिए आउटडोर का पार्ट इतना ही था। सो ये आउटडोर का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड या फॉर नाउ यू गाइज टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय बाय।